गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मेरा व्लॉग 28 सितंबर का है। तो 28 सितंबर को, जैसा कि सभी को पता है, श्राद्ध समाप्त हो गए तो सभी लोग अपने पितरों को विदा करते हैं, तो उन्हीं के लिए भोजन बनाया जाता है। तो मैं भी वही बना रही हूँ। तो सुबह का समय है, 7 बजे है, तो मैं बस सीधे नहा के किचन में आ गई हूँ और जल्दी जल्दी बनाना है, ताकि काफ़ी कुछ बनाना है, टाइम लगेगा, इसलिए पूरी डिटेल में अच्छे से नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को वीडियो में कि मैंने क्या क्या किस तरीके से बनाया है। तो आप लोग, मैंने वीडियो को भी फास्ट कर दिया है ताकि मेरी वीडियो लंबी ना हो सके ज़्यादा और आप लोग बोर ना हो मेरी वीडियो से। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के घर में किस तरीके से मनाया जाता है। सभी लोगों के घर में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मेरे घर में किस तरीके से मनाया जाता है, तो मैं वही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और बगल में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं बड़े बनाऊँगी और देखिएगा आप किस क्या क्या बन रहा है, आप लोग आगे देखिए वीडियो में। और ये सब बनने के बाद हम लोग अपने पूर्वजों को ही भोजन कराने के लिए, मतलब जो चौखट पे, हमारे घर पे ऐसा होता है कि चौखट पे फूल रखे जाते हैं 15 दिन, तो उन्हीं को ही ये भोजन प्रसाद के रूप में जो भी है चढ़ाया जाएगा। तो आज उनकी विदाई कर दी जाएगी इन सब चीज़ों को चढ़ाकर। तो बस इसी तरीके से बनेगा। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती गाइस, कि जब लोग ज़िंदा होते हैं तब शायद उन लोगों को एक बस पानी भी ना पूछा जाए, और जब वो लोग नहीं हैं तो उन लोगों के लिए इतने पकवान बना दिए जाते हैं जो शायद उन लोगों को मिलेंगे भी नहीं। मीडिया मिलते हैं नहीं मिलते मुझे नहीं मालूम है, मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है भाई। ये मेरी सोच है जो कि गलत भी हो सकती है भाई, माइंड मत करना, इग्नोर कर देना अगर गलत लग रही हो, और अगर सही लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस बन गया, हमारा खाना भी तैयार हो गया भाई। सब के अलग अलग अपनी अपनी सोच होती है। तो भोजन तैयार है, अब ये पूजा के लिए जाएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस ज़रूर लाइक करिए। और अब ये मेरे पापा जी हैं, तो पापा जी पूजा कर लेंगे। तो पूजा करने के बाद अब हम लोग भी फिर लंच करेंगे। गुड फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हो, और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बहुत दिनों, 15 दिनों से श्राद्ध चल रहे थे, पितृपक्ष चल रहे थे, जो कि आज समाप्त हो गए हैं। तो उन्हीं के लिए जो भी खाना बना था आज उन्हीं के लिए बना था, तो उनकी पूजा हो गई है और वही सब हम लोगों ने भी खाया है आज लंच में। लंच या ब्रेकफास्ट जो भी है यही बना था। तो काफ़ी कुछ है, अभी भी है, शाम तक शायद यही चलेगा। आज तो बहुत कुछ बना था, तो थोड़ा थोड़ा भी बनाओ तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है खाना। तो शाम तक यही आज खाया जाएगा। तो आज शाम तक तो फ्री है, तो अभी हो गए हैं, मैं अभी दोपहर का 2 बज रहा है और 12 बजे ही फ्री हो गई थी, लेकिन क्या था कि फिर मैं मार्केट चली गई थी, थ्रेडिंग बनवाने गई थी, तो मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैं वही बनवाने गई थी। उसके बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ, और अभी 2 बज रहा है तो अब सोच रही हूँ कि ब्लॉग को भी एंड कर दूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना भाई। कोई वीडियो को कम से कम आप लोग पूरा वॉच कर सके इतना ही बनाऊँ वीडियो को, उससे ज़्यादा वीडियो नहीं लंबी करना चाहती। और कल से नवरात्र भी चालू हैं, तो सब लोगों के घरों में नवरात्रि की तैयारियाँ हो रही होंगी और हम लोगों को भी तैयारियाँ करनी है अभी, तो इसलिए एंड करना ज़रूरी है। तो भाई आप लोग बताइएगा आप लोगों के घर में कैसे नवरात्रि की तैयारियाँ हो रही हैं, बताना ज़रूर मुझे। और आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, वीडियो अच्छी लगी या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बाय दोस्तों, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।